बातें एग्जैक्टली हाउस व्यूज क्या आए हैं नंबर्स को रीड करने के बाद? वरुण मॉर्निंग, टारगेट्स कैसे निकल के आए हैं वरुण, और कोई प्राइस कट भी है क्या? देखिए, प्राइस कट भी है और प्राइस बढ़ाया भी है। ब्रोकरेज हाउस एक्चुअली काफी डिवाइडेड लग रही है इस पूरे नतीजे को लेकर। सबसे पहले सीएलसी की बात करता हूँ, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं 1665 से बढ़ा के अब 1750 का इन्होंने कर दिया। इनका कहना है कि जो कासा फ्रेंचाइजी है वो इस कंपनी की जो ग्रोथ है उसको मदद कर रही है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। लेकिन मैक्वेरी देखिए डाउनग्रेड कर रहा है, न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, इन्होंने प्राइस टारगेट काट दिया है, 1445 से काट के 1400 के किए हैं। इनका कहना है कि जो कंसोलिडेटेड लोन ग्रोथ है वो 10 क्वार्टर के लोएस्ट लेवल पे आई है और इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं, अब 1400 के प्राइस टारगेट दे रहा है। वही जेफरीज अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है लेकिन इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं, 1175 से बढ़ा के 1225 का किया है। इनको भी नतीजे कमजोर लगे हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइस को चेस कर रहे हैं और इसके लिए आप प्राइस टारगेट ये बढ़ा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली 1600 का प्राइस टारगेट दे रहा है, ओवरवेट का कॉल है। वहीं क्रेडिट स्विस जो है न्यूट्रल का कॉल दे रहा है और 1340 के प्राइस टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस टारगेट में वेरिएशन है। सबसे लोएस्ट जो है 1225 का है, सबसे हाईएस्ट 1750 का है, यानी कि प्राइस टारगेट के बीच में ही करीब 1.25 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। तो इस तरह से ब्रोकरेज हाउस डिवाइडेड है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। ब्रोकरेज हाउस को नंबर्स तो अच्छे लगे हैं लेकिन दरअसल इन्होंने प्राइस टारगेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है और ज्यादातर न्यूट्रल का कॉल है और प्राइस टारगेट जो है करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। अब मैक्वेरी को देख लीजिए, न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 565 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि मार्जिन्स में एक बहुत बड़ा बीट देखने मिला, वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉय कॉस्ट, बाकी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड जो है उसको कम किया, यानी कि खर्चों का कंट्रोल किया है, इसके लिए मार्जिन में एक बीट देखने मिला। वहीं क्रेडिट स्विस जो है वो भी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 570 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका भी यही कहना है कि मार्जिन में अच्छा बीट है लेकिन ग्रोथ ट्रेंड्स कैसे हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो मैनेजमेंट की कमेंट के लिए रुकेंगे। और मॉर्गन स्टैनली जो है वो एकमात्र है जो ओवरवेट का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 700 रुपए के दे रहा है। इनका कहना है कि बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली इस क्वार्टर में, उससे काफी अच्छा लगा है इनको और इसके लिए प्राइस टारगेट 700 रुपए के दे रहे हैं। तो देखिए, किसी ने भी अभी तक प्राइस टारगेट चेंज नहीं किया है, सब अभी भी अपना जो प्राइस टारगेट है उसको मेंटेन कर रहे हैं। शायद ये आउट परफॉर्म ना करे क्योंकि देखिए जितने रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ सबका कहना है कि नतीजे अच्छे हैं लेकिन आउटलुक जो है खासकर इस कंपनी का वो काफी वीक है। और देखिए सिटी का यहाँ सेल का कॉल है, प्राइस टारगेट काटे है 430 से काट के 360 का किया है। इनका कहना है कि ग्रॉस मार्जिन जो है वो इस बार अच्छे थे लेकिन आउटलुक काफी वीक है और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है ना इंडस्ट्री ग्रोथ को लेके वो काफी नेगेटिव है और इसके लिए सिटी ने अपना जो ईपीएस एस्टीमेट है FY20 से 22 का उसको 1-4% तक काट दिया है और अपना प्राइस टारगेट काटा है। सीएलएस भी बिकवाली की सलाह दे रहा है, 360 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि Q1 के जो नतीजे थे वो ठीक ठाक थे लेकिन टू व्हीलर इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो काफी वीक है और जो मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है वो शायद आगे सस्टेन ना करे, ये सीएलएस का कहना है। और 360 के प्राइस टारगेट दे रहा है, बिकवाली की सलाह दे रहा है। क्रेडिट स्विस अपग्रेड जरूर कर रहा है लेकिन इन्होंने भी यही कहा है कि आगे चल के वॉल्यूम्स में दबाव रहेगा और इसके लिए अपने ईपीएस एस्टीमेट को काटा है, प्राइस टारगेट 390 से काट के 360 का किया है। नमूरा भी रिड्यूस का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 359 से काट के 352 का किया है। तो भले मैनेजमेंट कहे कि इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट जो है वो काट दिया है।